अच्छा, तो हमने लास्ट वीडियो में 60 एमसीक्यूज किए थे केमिकल बॉन्डिंग के, इनके हम नेक्स्ट 60 एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि इन पीरियड द एटॉमिक रेडियस। अच्छा, जो पीरियड होता है ना उसमें एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। अब इसने ये भी नहीं कहा हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाएँ या टॉप टू बॉटम जाएँ हम पीरियड में, यानी पहला पीरियड हो गया फिर दूसरा तीसरा चौथा। अगर हम इस तरह जाएँ ना पीरियड में, पहला पीरियड हो गया दूसरा तीसरा पीरियड फिर चौथा, तो इसमें तो साइज इंक्रीज होती है। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जाएँ ना तो उसमें हमारे पास साइज फिर क्या हो रही होती है, लेफ्ट टू राइट अट्रैक्शन बढ़ रही होती है और लेफ्ट टू राइट फिर साइज हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है। सही है, सो इसने इस तरह कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा, इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस। अच्छा, अब अगर ग्रुप में हम जाएँ लेफ्ट टू राइट जाएँ ग्रुप में, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तीसरा चौथा, इधर तो साइज डिक्रीज होती है, और अगर टॉप टू बॉटम हम ग्रुप में आए और टॉप टू बॉटम आए फिर तो साइज इंक्रीज होती है, तो इसमें भी इसने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ। सो इन अ ग्रुप हमारे पास एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज होता है, अगर लेफ्ट टू राइट जाएँ वहाँ पर हमारे पास फिर डिक्रीज होता है। ओके, और अगर पीरियड में हम टॉप टू बॉटम जाए तो इंक्रीज होता है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाए पीरियड में हम, तो दैट इज डिक्रीजिंग साइज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, सो दैट उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनिक बॉन्ड इज प्रोड्यूस आफ्टर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A आर, सो पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप हमारे पास क्या है, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिग वाई, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ओके, एंड फिर पॉजिटिव चार्ज इन पे आ जाते हैं। विच वन हैज़ द लीस्ट बॉन्ड एंगल, इनमें से हमारे पास लीस्ट बॉन्ड एंगल किसके, H2O Y, क्योंकि इसका हमारे पास 104.5 ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर आ जाते हैं, इसका बॉन्ड एंगल कम कर देते हैं। ठीक है, द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 मॉलिक्यूल, सो O2 मॉलिक्यूल में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितने, दो बॉन्ड होते हैं। ओके, सो टू बॉन्ड ऑर्डर, ये MOT के जरिए भी हम मालूम कर सकते हैं। हमने कहा था, पीछे पढ़ा था कि 14 अगर एटॉमिक नंबर हो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, अगर 15 हो पॉइंट कम कर दो 2.5, अगर 16 हो फिर पॉइंट कम कर दो तो 2। ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2 करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोनियम आइन इज दिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये पूछ रहे। ठीक है, सो फॉस्फोरस में हमारे पास वैलेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं, और ये हमारे पास हाइड्रोजन में 1 होते हैं, 4 हाइड्रोजन और 1 इसने लॉस किया हुआ है, सो -1, सो 5 और 3 8 हमारे पास हो गए, सो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। MTB इज अ पार्ट ऑफ पेट्रो, व्हाट एक्सपेरिमेंटरी वैल्यू ऑफ एंगल P एंड Q, एंगल पूछे हुए, सो ये पिरेटो टाइप क्वेश्चन है, ये हमारे पास 109 के एंगल होता है एंड दैट इज 105। ओके, सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इट्स अ डायग्राम, इसको याद करना है आप लोगों ने कि यहाँ पे ये वाला एंगल होता है, यहाँ पे ये वाला एंगल होता है। विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, सो वी नो दैट BF3 इसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बाकी इस पर लोन पेयर है, ये टेट्राहेड्रल हो जाता है, या पायरामिडल हम ले लें ना, अगर सिर्फ शेप लें, शेप लिया। हाँ, PCl3 हमारे पास नहीं है प्लेनर, PF5 भी हमारे पास प्लेनर नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस में हमारे पास फिर लोन पेयर आ जाएगा, सो इट्स इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें सिर्फ हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दान हाइब्रिडाइज पी आरबिटॉल इन SP2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अन हाइब्रिड जो होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पास, सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आर लिविस एसिड एक्सेप्ट, सारे हमारे पास लिविस एसिड है, लिविस एसिड कौन सा होता है विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास। ठीक है, अब BF3 भी एक्सेप्ट करेगा, AlCl3 भी एक्सेप्ट करेगा, FeCl3 भी एक्सेप्ट करेगा, बट H2O के पास तो खुद लोन पेयर होते हैं, सो ये तो हमारे पास डोनेट करेंगे, सो ये हमारे पास लिविस एसिड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ SP3 हाइब्रिडाइजेशन, NH3 वी नो दैट इसका हमारे पास SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, द केमिकल स्पीशी हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। अच्छा, अब देखो इसमें सेंट्रल एलिमेंट सारों में सेम है, अब हम देख रहे हैं कि अगर साइड पे जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा ना उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होता है, सो देखो ना फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सो हमारे पास ASH3 जो है ना इसका हमारे पास डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सही। अच्छा, CO2 इज आइसो स्ट्रक्चर विद CO2 का भी लीनियर है, CH2 भी हमारे पास लीनियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, SP हमारे पास, ठीक है, जितना S करेक्टर ज़्यादा होता है उतना ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा SP का, सो उनकी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास उतनी ज़्यादा होगी, जितना बॉन्ड लेंथ कम होता है उतने बॉन्ड एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड, ये हमने 2-3 दफ़ा किया, NH4 Cl, इसमें आयोनिक भी होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे पास होता है। ओके,
सो इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NH3, सो NH3 में हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NH3, एन में हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो और बाकी 3H बॉन्ड बनाया होता है, सो अनपेयर्ड हमारे पास दो। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NH3 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम एक पेयर ले लें ना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी वाला ऑप्शन फिर हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। सो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NH3 में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन या एक पेयर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होता है, ओके। अच्छा, हाउ मेनी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इन NH4। अच्छा, NH4 हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं ना, तो जो बाकी तीन कोवेलेंट होते हैं वो भी इसके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन में शो होते हैं ना। सो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे पास कितने होते हैं, जीरो होते हैं इसमें, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन इथीन का स्ट्रक्चर बना ले, सी डबल बॉन्ड, सी इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछ रहे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड तो पाई होता है, चलो 12 और 10, 10 टोटल में से दो गए, 10 कट गए हमारे पास, तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ओके, 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। पॉइंट आउट द शेप एंड बॉन्ड प्रेजेंट इन बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। बोरॉन ट्राई फ्लोराइड हमने 3-4 दफ़ा पढ़ा है, कौन सा हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं और 120 एंगल हमारे पास इसका होते हैं, सो 82 में सी ऑप्शन। डैश पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव सेम शेप BF3, देखो पीर टेट, सॉरी इनका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, बाकी ये CO2 लीनियर होते हैं, SO2 तो लोन पेयर आ जाते हैं, SO3 ट्राइगोनल प्लेनर है, ये तो पायरामिडल है, ठीक है। सो हमारे पास इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच बॉन्ड इज फाउंड फर्स्ट बिटवीन टू एटम्स, तो पहले पहले कौन सा बॉन्ड हमारे पास बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, सो जिसमें हमारे पास लोन पेयर होगा उसकी डिफरेंट मॉलिक्यूलर होगी और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक होगी। सो टिन क्लोराइड में हमारे पास लोन पेयर है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक भी डिफरेंट होगी और मॉलिक्यूलर डिफरेंट होगी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरलाइड एलिमेंट डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, लिथियम को देख लो ना, लिथियम में वैसे आउटर वैसे में एक होता है और एक इधर से आया होगा, सो दो है इसमें, सो इसमें हमारे पास नहीं है, बाकी ऑक्सीजन में 8 हैं, फॉस्फोरस में 8 है, क्लोरीन में 8 हमारे पास पूरे हैं। इन विच सीक्वेंस द मॉलिक्यूल कोटेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, सही, सो कौन से में हमारे पास, इन विच सीक्वेंस ऑफ द मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। अब ए में हमारे पास H2O दिया हुआ है, SF6 BF3, तो फिर हमारे पास ये 120 हो जाता है, H2O 104 होता है, CO2 180, BF3 फिर कम हो गया, H2O हमारे पास क्या होता है 104, सही है, और हमारे पास NH3 104 से बड़ा होता है 107, CH4 में 109, सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। मॉलिक्यूल हैविंग 4 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर ज्योमेट्री, सो उनका हमारे पास जो 4 बॉन्ड पेयर होंगे उनकी ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है। द रेशियो ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, सो बेंजीन में हमारे पास 3 तो पाए होते हैं, ओके, एंड सिग्मा हमारे पास कितने होते हैं, 6 तो ये हो गए और 6 12 सिग्मा होते हैं, सो रेशियो ऑफ पाई एंड सिग्मा, पाई 3 और ये 12, 1:4 हमारे पास बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1 N2 कार्बन इन एटम। अच्छा, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले हमारे पास sp2 होता है, ओके, सो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, और ये भी डबल बॉन्ड है, इसका भी हमारे पास sp2 होगा, सो 90 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक मिनट सब्र कर, sp2 इसमें होगा ना, इसका हम गिन लेते हैं ना, कार्बन हमारे पास 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, और साथ में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सो ये 6, 1/2 और 6, ये 3, ये तो sp2 हो गए, ये तो सही है हमारे पास sp2 हो गए। अब 2 कार्बन का पूछा हुआ है, 1/2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसके साथ कोई मोनोवेलेंट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लगे हुए, सो ये 2 कट गए, हमारे पास सिर्फ 2 है और 2 sp होता है, सो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ओके, क्योंकि जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं ना वो एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर होते हैं, सो दैट्स व्हाई इसके हाइब्रिडाइजेशन फिर हमारे पास sp हो जाती है, ओके। अच्छा, 91 है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, दैट इज ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड, स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड हमारे पास कौन से, डबल बॉन्ड भी गए, सिंगल बॉन्ड भी गए, 3-3 ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास मुकाबला है, ओके, सो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास COF, क्योंकि इसमें पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई हमारे पास स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है। एनर्जेशन एनर्जी बढ़ रही है,
सो ये हमारे पास थर्ड ग्रुप का ग्राफ है. ओके, द प्रेजेंस ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वैलेंस पी ऑर्बिटल इंक्रीज द ऑनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन. ये हमने नाइट्रोजन पहले भी किया था कि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हो जाते हैं और फिर इसकी ऑनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी बढ़ जाती है. द एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर एसोसिएटेड विद, सो दे आर एसोसिएटेड विद 2a एंड 5a वैल्यू, क्योंकि इधर इसमें फुल फील्ड हो जाता है और इधर इसमें हमारे पास ये हाफ फील्ड हो जाता है. विच टू एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, सो दैट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कैन नॉट डिड्यूस फ्रॉम द फैक्ट दैट एलिमेंट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी. जब आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो एस ब्लॉक से होगा, यानी वो मेटल होगा, वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, वो पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि एस ब्लॉक से है ना, पी ब्लॉक से तो वो नहीं हो सकता. एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, सो लीनियर मॉलिक्यूल हमारे पास अल्काइन होते हैं, सो हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ दीज विल नॉट शो ए बिफोर टाइप ज्योमेट्री, कौन सा हमारे पास ए बिफोर टाइप ज्योमेट्री नहीं शो करेगा. सो 6a में हमारे पास फॉस्फोरस आ जाता है, ठीक है, विथ 3 ट्रिपल सोडियम मैग्नीशियम एलिमेंट सिलिका. 6 ग्रुप में हमारे पास सल्फर आ जाता है विथ 3 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड. सो ये देखो, ये हमारे पास फिर क्या करते हैं, ए बी 3 टाइप ज्योमेट्री शो करते हैं. सो डी वाला ऑप्शन टी गलत है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास शो नहीं करेगा. ये देखो, ये SO3 बनाते हैं, SO4 नहीं बनाता डबल बॉन्ड के साथ. हाईएस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, सो दे आर प्रेजेंट इन NH4Cl. हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन NH4Cl, नहीं, नाइट्रोजन में 3 है, CH4 में 4 है. सो ये हमारे पास करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. ओके, और इसमें तो फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, दैट्स व्हाई हमारे पास फिर इसमें कम होंगे. सो CH4 में 4 है हमारे पास, ये करेक्ट है. 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लीनियर शेप, सो हमारे पास ऑल ऑफ दीज हैव लीनियर शेप. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो sp हाइब्रिडाइजेशन, जो लीनियर होगा वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, दैट इज बेरिलियम हाइड्राइड. द नंबर ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन इथेनॉल, इथेनॉल हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, सो एक कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास इसमें होंगे. विच ऑफ दीज कंटेन ओनली 1 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन सा जिसमें हमारे पास सिर्फ एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज CH3F, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक फ्लोरीन है ना, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगी, एक और एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा हमारे पास. अ मॉलिक्यूल दैट हैज पोलर बॉन्ड बट इज ओवरऑल नॉन पोलर, वो कौन सा जो हमारे पास, ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे हमारे पास इनके बॉन्ड पोलर होते हैं लेकिन ये हमारे पास नॉन पोलर हैं. द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इन CO, ऑक्सीजन में तो वैसे 2 होते हैं लेकिन यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना लेते हैं, सो एक बच जाता है हमारे पास, ठीक है, सो एक हमारे पास इसमें बच जाता है. विच वन इज नॉन पोलर कंपाउंड, कौन सा हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है, सो जिसके इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर, सिर्फ C बचते हैं हमारे पास, इसमें फिर लोन पेयर नहीं होगा. ऑल दीज कैन एक्ट हैज डोनर एक्सेप्ट, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसमें लोन पेयर है, डोनर है, डी इसमें लोन पेयर है, ये दे सकता है, ये इसका पूरा है, सी वाला ये नहीं दे सकेगा. व्हाट इज ट्रू फॉर अ मॉलिक्यूल विद स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के लिए क्या हमारे पास ट्रू है, इट टेक्स ए लोन पेयर, इट कांट बी अ डोनर, इट लेक्स अ लोन पेयर, इट कांट बी अ डोनर, जब इसका लोन पेयर नहीं होगा तो वो दे भी नहीं सकेगा, ठीक है, इट कैन बी एन एक्सेप्टर, हाँ फिर ले तो सकेगा. सो डी हमारे पास, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ओके, ऑल ऑफ दीज एफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सेप्ट, सो एक्सेप्ट हमारे पास कौन सा है इसमें, ऑल ऑफ दीज हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो हम देख लेते हैं HF में, देख लेते हैं फ्लोरीन सेंट्रल हाइड्रोजन HF, इनके हमारे पास H2O का देख लेते हैं, H2O का हमारे पास ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना, सो ऑक्सीजन की हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं. किस तरह निकालेंगे, मैंने क्या तरीका बताया, 1/2 ऑक्सीजन हमारे पास, 1/2 ऑक्सीजन के हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ओके, 1s2 2s2 2p4 होते हैं, और साथ में दो ये है, तो 6 + 2 8, और ये तो 4 वैल्यू आएगी, ये sp3 है. SO2 हमारे पास देख लेते हैं, ठीक है, 1/2 सल्फर 6, और साथ में हमारे पास 2/2 सल्फर हमारे पास SO2 की, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, सल्फर 6 ग्रुप का है ना, सो 6 ग्रुप में है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हो जाएंगे. ओके, सो इट्स का हमारे पास बेंट आर ओ बनता है, क्योंकि ये देखो ना, ये 3 आते हैं हमारे पास, 2/6 3 वैल्यू आएगी, सो ये sp3 नहीं बनता. डी ऑप्शन, NH3 भी हमारे पास sp3 बनता है. 1/2 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 हाइड्रोजन है, सो ये भी हमारे पास 4 बनता है. और HF की भी हमारे पास कौन सी, HF की भी हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होती है. ओके, सो ऑल हैव दीज हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सेप्ट,
सो डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। एसओ टू की जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो या तो बेंट होती है हमारे पास, ठीक है, और एच एफ की जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो भी हमारे पास टेट्राहेड्रल नहीं होती। सो एच एफ की जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है लीनियर होती है क्योंकि स्ट्रेट बॉन्ड होता है ना, सो दैट्स वाई। सो ए एंड डी हमारे पास दोनों हो सकते हैं लैब, इन लोगों ने तो डी लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एम सी क्यूज में हम जाते हैं कि द शेप ऑफ एस ओ सी एल टू मालिक्यूल। सो एस ओ सी एल टू मालिक्यूल का हमारे पास कौन सा शेप है? एस ओ सी एल टू डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप है हमारे पास इसका, ठीक है, इसका हमारे पास टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्टेड शेप है एस ओ सी एल टू मालिक्यूल। फिर इसका किस तरह आप लोग मालूम करोगे कि फिर हाइब्रिडाइजेशन मालूम करोगे ना, इस तरह होती है एसओ सी एल टू, जैसे हमारे पास एन एच थ्री होता है ना, हम उसके किस तरह डिसॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेते हैं ना, क्योंकि उसके वैसे तो पैरामिडल है लेकिन जब हम लोन पेयर लेंगे तो उसके फिर हमारे पास टेट्राहेड्रल बन जाती है। एसओ सी एल टू भी सेम लाइक एन एच थ्री हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज़ लीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इनमें से कौन सा जिसमें सेंट्रल एटम के हमारे पास लीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? एच सी एल ओ थ्री, एच थ्री ओ, एच टू एस, प्लम्बम, इसने सारे बांड बनाए हुए, सो इसमें हमारे पास लीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। आइडेंटिफाई दैट वन हैज़ डिफरेंट शेप अदर देन रेस्ट। सो इसमें हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होगा, ओके, सो ये हमारे पास डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट। विच पेयर हैज़ द सेम ज्योमेट्री, कौन सी पेयर की हमारे पास ज्योमेट्री सेम होगी? सो टिन क्लोराइड और एस ओ सी एल एस ओ टू, इन दोनों हमारे पास बेंट होते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल इज मिनिमम इन केस ऑफ, फिर देखो एन एफ थ्री साइड में जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो उसने इसका बॉन्ड एंगल कम कर देते हैं, ठीक है। सो इसमें बी ऑप्शन, आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट बॉन्ड। सो लेफ्ट टू राइट हम जितना चाहते हैं उतनी साइज कम होती है, सो हमारे पास ऑक्सीजन इतना राइट पे पड़ा है, सो इसके हमारे पास साइज शॉर्टेस्ट होगा। लीस्ट बॉन्ड एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, सो दैट इज लीस्ट बॉन्ड एनर्जी हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड विद? ओ ओ के साथ एसोसिएट है, ओके। अच्छा, 118 हमारे पास, विच बॉन्ड डेविएट मैक्सिमम फ्रॉम एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ, दैट इज सिलिकॉन फ्लोराइड, ओके। ये हमारे पास डेविएट कर जाता है बहुत ज़्यादा, दोनों हमारे पास लोन पेयर होंगे, दोनों के पास वैलेंस शेल में फ्लोरीन के पास, फिर इसलिए ये डेविएट हो जाते हैं। एट कम्प्रोमाइज बिटवीन द फोर्स डोमिनेट एंड दैट इज अट्रैक्टिव फोर्सेज। लास्ट एम सी क्यूज है हमारे पास कि लो एनर्जेशन एनर्जी इज द सिंबल ऑफ, सो जिनकी एनर्जेशन एनर्जी लो होती है वो हमारे पास एस ब्लॉक के होते हैं और एस ब्लॉक वाले हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।